हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। जैसे मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि 4 प्रैक्टिस पेपर्स पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 4 प्रैक्टिस पेपर कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि ऐसे प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2 में डिफरेंस क्वेश्चन आ रहे हैं तो एनुअल में डिफरेंस आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, एनुअल में बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए इतने भी आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी होगा। देखिए, फर्स्ट सेट है रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन हैं आपको, तो यहाँ पर रियल नंबर के पॉलिनोमियल्स के मिक्सअप मिलेंगे, ये आपको अच्छी तरह देख लीजिए और उसके बाद आपको लिखना है। उसी तरह सेकंड सेक्शन आपको मिलेगा, यहाँ से 2 पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर के यहाँ पर मिलेंगे आपको। ये थर्ड सेक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड सेक्शन के आपको अभी भी प्री फाइनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इतने ही आपको पढ़कर जाना है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखिए, पार्ट बी, ये पार्ट बी का ऑब्जेक्टिव है। अब इस वाले पेपर में सिमिलर ट्राइंगल साइन मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखिए, सेट 1 में ये जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे, क्योंकि इसी पेपर में से आपको कंप्लीट पूछा जाएगा। देखिए आप, सिमिलर ट्राइंगल्स और मेंसुरेशन के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर इतने भी आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। थर्ड सेक्शन है ये, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखिए, अभी तो ऑब्जेक्टिव 20 है, अभी इसके अंदर 10 है, आप ये चैप्टर से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट सेट। अब देखेंगे सेकेंड सेट, ये प्रैक्टिस पेपर 2 है, इसके अंदर सेट्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स के चैप्टर से यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2 के अंदर भी आप आराम से पढ़ सकते हो इस क्वेश्चंस को। ये थर्ड सेक्शन में, अब इससे बढ़कर तो क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे यहाँ पर होंगे। चलिए इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देख लीजिए एक बार, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है ये 10th तक रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। अब उसे सेकेंड यहां पर आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे। फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन यहां पर आप देख सकते हो, देख लीजिए आप आराम से पढ़ लीजिए। चलिए अभी 2 चैप्टरों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, ये दोनों चैप्टर से रिलेटेड पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप 10 क्वेश्चन से देख के इसके अंदर पढ़ लीजिए। अब देखेंगे नेक्स्ट सेट 3, ये पेपर प्रैक्टिस पेपर 3 है, इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये तीनों चैप्टरों से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रिंटेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं आप इस तरह देख सकते हो यहाँ पर। ये कंप्लीट, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखिए, इस दोनों तीनों चैप्टरों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको मिलेगा, एक ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है टेंजेंट एंड सीकेंट सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इससे तीनों चैप्टरों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको यहां पर मिलेंगे। ये सेक्शन 3 के, चलिए इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव देखिए, ये ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं आप, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। चलिए अब लास्ट सेट 4 सेट देखते हैं, जिसके अंदर फुल सिलेबस होगा, प्रैक्टिस पेपर 4 है जिसके अंदर ऑल लेसन होंगे। देखिए अब सेक्शन वाइज डिवाइड होंगे, अब अभी एक पेपर में आएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको ग्रुप ए में मिलेंगे इसके अंदर के, और क्योंकि हमको ग्रुप ए में, ग्रुप ए फर्स्ट पेपर, ग्रुप ए 1, 2,
सेवन चैप्टर ग्रुप ए, 8 to 14 चैप्टर ग्रुप बी, इस तरह डिवाइड किया गया है सर। तो पेपर एज इट इज रहेगा, लेकिन ग्रुप ए ग्रुप बी डिवाइड किया है, ये आपका देखेंगे। चलिए होल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखिए, ये ऑब्जेक्टिव है, ये होल सिलेबस के ये ग्रुप बी में आएंगे। अभी जो मैं पेपर बताया क्वेश्चंस, क्योंकि ग्रुप ए में 6 क्वेश्चंस है और ग्रुप बी में 6 क्वेश्चंस है, आपको यहाँ से 3 लिखना है, यहाँ पे 3, तो ये पेपर वाले ग्रुप बी में रहेंगे। और पहले इससे पहले जो पेपर मैं बताया, ये पेपर जो बताया, ये ग्रुप ए में रहेंगे, एक ग्रुप ए और एक क्वेश्चन ग्रुप बी। और उसी तरह ये थर्ड सेक्शन के ये क्वेश्चंस ग्रुप बी में रहेंगे, इससे पहले वाले पेपर के जो बताया था मैं वो ग्रुप ए में रहेंगे। चलिए इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एक बार देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होगा। तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।